यहाँ पे क्या था, ये देखो इसको सॉल्व किया था यहाँ पे। अब क्या करते हैं, देखो जो फिर से अंडर रूट आ गया तो अब फिर से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, स्क्वायर बोथ साइड, अगेन स्क्वायर बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर और प्लस वन और माइनस टू ए बी करेंगे तो फोर एक्स, टू ए बी फोर एक्स। तो ये देखो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स। अब देखो इसमें कुछ कट हो रहा है, फोर एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट एंड दिस एम्प्लाई फोर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन प्लस फोर तो ये फाइव हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव बाई फोर आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। तो एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर आंसर। लेकिन ये फाइव बाई फोर जो आपका आया ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये जो सबसे पहले हमने यही चेक किया नहीं कर रहा है, तो ये सोल्यूशन नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन, द इक्वेशन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन हैज हैज ए ऑप्शन नो रूट, नो रूट, बी बी लिखो वन रूट, वन रूट, सी लिखो टू इक्वल रूट, टू इक्वल रूट्स एंड डी लिखो इनफिनाइट मैनी रूट। फिर से वैसे सर नो रूट होना चाहिए। नो रूट, इसका भी नो रूट ऐसे आएगा। देखो क्या करेंगे, देखो इसमें ना ये जो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है समझने के लिए, रूट के नेचर के लिए। जैसे ये कैंसिल हो सकता है तो आप क्या बोलेंगे इस जनरल कि x इज इक्वल टू वन इसका रूट होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम वन इसमें पुट करेंगे तो टू अपॉन जीरो कितना हो जाएगा, वन पुट करेंगे तो ये बीच में ये क्या हो रहा है, ये नॉट डिफाइन है। ये जो इक्वेशन है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज डिफाइंड फॉर, डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट वन, ये वन को छोड़ के बाकी सबके लिए डिफाइन है। तो जब भी किसी इक्वेशन के रूट आते हैं, जब भी इक्वेशन के रूट आते हैं तो वो उसकी डोमेन में आते हैं, मतलब जिनके लिए वो इक्वेशन डिफाइन होगी उन, वो ही उसी के अंदर ही रूट आ सकते हैं, आउट ऑफ दैट डोमेन वी कांट हैव द रूट्स। लाइक जैसे ये इक्वेशन इन एक्स के लिए डिफाइन है तो जो भी रूट आएगा वो इसी के अंदर आएगा। देखो वन तो इसमें है ही नहीं, और जो आपका रूट आ रहा है तो वन इसमें है नहीं, तो वन नहीं है तो मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आप क्या कह रहे थे कि वन ही रूट आ रहा है और वन इसकी डोमेन में ही नहीं है, मतलब वन तो ये डिफाइन ही नहीं है, जब डिफाइन नहीं है तो फिर मतलब उसका रूट नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इस, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। फाइंड एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट एंड सो ऑन अप टू इनफिनाइट। आंसर इट, आंसर दिस क्वेश्चन।
देखो कैसे करेंगे इसको, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, याद करो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि देखो एक काम करो कि ये जो है ना, क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 30 + x लिखा जा सकता है क्या? याद करो मैंने बताया था मैजिक वाली सिचुएशन कि मैं कहता हूं आपसे कि आंख बंद करो, जैसे ही आंख बंद करोगे मैं इतना रफ कर दूंगा, अब आप फिर खोलोगे तो आप क्या कहोगे कि अरे ये तो वही है जो पहले था, मतलब x ही है, तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, x कर देते हैं, तो इसकी जगह मतलब जो ये वाला पोर्शन है इसकी जगह हम x रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 30 + x, ये सिचुएशन। अब आप इसको स्क्वायर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 + x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 = 0, ठीक है, तो इसके रूट आ जाएंगे एक्स, इसको फैक्टर करोगे तो एक्स माइनस 6 आएगा इंटू एक्स प्लस 5 = 0, थिंक अबाउट इट। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 और 6। अब देखो यहाँ पे ये जो x है अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x कैन नॉट बी -5, तो x 6 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 6 आ जाएगा इसमें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये -5 एक्स्ट्रा क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे आपने एक स्क्वायर किया था, याद करो, तो जब स्क्वायर करते हो क्यूब करते हैं तो इट इज पॉसिबल दैट देयर माइट बी सम एक्सट्रेनियस रूट, तो एक्स इज इक्वल टू -5 जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट, रूट दैट अकर ड्यू टू स्क्वायरिंग और क्यूबिंग और समथिंग रेजिंग पावर एन, जब कुछ पावर रेज करते हैं उसकी वजह से कुछ रूट बढ़ जाते हैं और उन बढ़े हुए रूट को एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ है? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट डाउन कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कंडीशन कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? यस यस, वेट वेट, हाँ देखो समझा क्या, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बाय द वे? नहीं सर, मुझे बस वो लास्ट को कॉपी करना। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, ये कॉमन रूट किसमें देखा जा रहा है, तो ये कॉमन रूट ऑब्वियसली हम लोग दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में देखते हैं। सो लेट से वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाइक a1x² + b1x + c1 = 0 एंड अनदर क्वाड्रेटिक इज a2x² + b2x + c2 = 0। लेट से वी हैव दिस टू इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके रूट हैं अल्फा एंड बीटा और इसके रूट हैं गामा एंड डेल्टा, ठीक है। सो ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि ऐसी क्या सिचुएशन है कि इन दोनों का पॉसिबल है कि एक रूट कॉमन हो जाए या दोनों रूट कॉमन हो जाए या नो रूट कॉमन है, ये तीन सिचुएशन बन सकती है। तो नो रूट कॉमन का सिचुएशन तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन क्या होगा और एग्जैक्टली 2 रूट कॉमन कैसे हो। सो यदि हम बात करें कि एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, एग्जैक्टली 1 रूट के कॉमन की कंडीशन क्या होगी, एग्जैक्टली 2 रूट कॉमन की कंडीशन क्या है, पहला एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन कॉमन के लिए क्या कंडीशन होगी, सेकंड बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होगी, मतलब ऐसा क्या होगा कि जिससे कह सकते हैं कि दोनों रूट कॉमन हो, ठीक है। तो याद करो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रयोग करते हैं। जैसे 2x - y = 3 एंड x - 2y = 0, लेट्स से ये इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? याद है तुम्हें कैसे करना आता है? शार, डू यू रिमेम्बर दिस? याद है ये कैसे करते हैं? सर नॉर्मल लीनियर इक्वेशन से करना नहीं, आता है। नॉर्मल से भी आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। जैसे ये 2x - y - 3 = 0, ठीक है, और ये x - 2y - 0 = 0, लेट्स से। अच्छा नॉर्मली सॉल्व करके बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है, बताओ जल्दी से। x की वैल्यू कितनी आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। बताओ आंसर कितना आ रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे? 2 and 1 मिल रहा है, 2 and 1 आर द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये करते हैं हम, ध्यान से सुनो कि इसको एक्स ले लेते हैं और अपॉन यहाँ पे ये देखो ये वाई और ये कोफिशियंट्स जो है इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है -1, ये -2 और फिर यहाँ पे -3 और ये 0 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे वाई रखते हैं, जैसे वाई तो इसको बंद कर देते हैं तो क्या मिलेगा इधर देखो -3 -3 और फिर यहाँ पे -0 इज 0 आ जाएगा, इसका मो इसका डिटर्मिनेंट, और ये कितना, फिर ये 2 and 1 2 and 1 ऐसा, और इज इक्वल टू 1 upon 1 upon, फिर इसको इसको बंद कर देते हैं तो ये 2 बचेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वाला पोर्शन है, तो ये कितना मिलेगा 2 1 -1 -2, क्या इतनी बात समझ आए? यहाँ -1 भी करते हैं कई बार तो फिर वहां पर ये बदल जाता है, स्ट्रक्चर यहाँ बदल जाता है, सिर्फ प्लस लिया तो ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 माइनस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेपरेट करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 6 = y/, इसका वैल्यू बताओ देखो कितना आ रहेगा -3 -3 - ये इसका मल्टीप्लीकेशन सेपरेट कर देंगे तो 0 = 1/, अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो -4 और माइनस ऑफ इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। सो देखो ये x/-6 = y/-3 = ये देखो कितना आ रहा है, देखो 1 upon -4 + 1 - 3 आ रहे है, आ रहे कि नहीं आ रहे? तो अभी देखो -3 हटा देते हैं तो x/2 = y/1 = 1 आ रहे है ना, तो इसका मतलब कि x = कितना हो गया 2 and y = 1 हो गया, x = 2 y = 1 आ गया इस तरह से, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसका प्रयोग क्यों किया इस समय, तो वो सिंपल सी बात है कि हमें इसमें कहीं अप्लाई हो रहा होगा इस जगह पे, तो मैं काम करता हूँ कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर सर, यस बस लिखना था वो एक ही। हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए। देखो यहाँ पे लेट्स से ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन की कंडीशन क्या होगी या बूथ रूट कॉमन की कंडीशन क्या होगी, ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बूथ रूट कॉमन, बूथ रूट्स कॉमन
कंडीशन क्या होगी, दोनों रूट कॉमन हो इस बात की क्या कंडीशन होगी। तो लेट्स से इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, जैसे कोई एक क्वेश्चन है जिसका रूट एक अल्फा एंड बीटा है, तो क्या वो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होगा, इसके रूट अल्फा एंड बीटा है इक्वल टू जीरो। और एक और दूसरा रूट अल्फा एंड बीटा है, तो आप क्या बोलोगे कि उसको के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन है जिसके रूट सेम है अल्फा एंड बीटा, तो यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा एंड बीटा इक्वल टू जीरो। अब यदि दोनों रूट कॉमन है तो देखो ध्यान से कि क्या डिफरेंस आया है, सिर्फ कि इन ये जो इक्वेशन है इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, k से मल्टीप्लाई किया गया। तो यदि इन दोनों ये जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें दोनों रूट यदि कॉमन है तो क्या होगा कि एक ना दूसरे में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा कोई एक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये कंडीशन होगी। दिस इज अ कंडीशन फॉर बोथ रूट कॉमन। क्या इतनी बात समझ आई, ये कंडीशन हो गई दोनों रूट कॉमन होने की। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन के लिए कंडीशन क्या होगी। क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको फिर से यहां से ले लेता हूं। एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन क्या होगी, तो लेट से कि इसके रूट हैं एक अल्फा एंड बीटा, और एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है तो लेट से मैं वो कहता हूं कि जो कॉमन रूट है वो अल्फा है, अल्फा इज द कॉमन रूट एंड गामा गामा इज अनदर रूट, तो दोनों में अल्फा रूट है। अच्छा अल्फा यदि रूट है तो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। इन द सेम वे अल्फा इसमें पुट कर देते हैं तो ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। देख लो ध्यान से, अगर यहाँ पे इसमें सेम टेक्निक लगाएंगे जो पहले लगाया था तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर यहाँ पे है तो इनके जो कोफिशियंट है उसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो कितना आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट बी वन बी टू सी वन सी टू इज इक्वल टू, अब ये इसमें अल्फा है अल्फा तो अल्फा अपॉन इसको इसको बंद करने के बाद क्या मिलेगा सी वन सी टू सी वन सी टू और ये ए वन ए टू ऐसा, ये अल्फा हो गया इज इक्वल टू वन अपॉन ये कॉन्स्टेंट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट बन रही है वो देखेंगे दैट इज ए वन ए टू बी वन बी टू ऐसा डिटर्मिनेंट आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो पहले दो तरह से सॉल्व करते हैं, देखो एक इस इन दोनों को सॉल्व करते हैं और एक इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यदि इन दोनों को सॉल्व करते हैं सेकंड वाला सिचुएशन तो अल्फा कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ये देखो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा सी वन सी टू ए वन ए टू अपॉन अपॉन कितना होगा डिटर्मिनेंट ए वन ए टू बी वन बी टू ये डिटर्मिनेंट आ गया ए वन ए टू बी वन बी टू आ गया ये अल्फा इसको न्यूमरेटर में ले गया,
एंड दैट इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा अल्फा कट हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा बी वन बी टू सी वन सी टू और अपॉन ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा सी वन सी टू ए वन ए टू, ये डिटर्मिनेंट आ रहा है। ठीक है देख लो ध्यान से, ये कंडीशन है। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट सी वन सी टू ए वन ए टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा बी वन बी टू सी वन सी टू इंटू इंटू एक और डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए वन ए टू बी वन बी टू, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, कंडीशन फॉर फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। देख लो ध्यान से, नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो फटाफट, है ना। अब क्वेश्चन ये है इसमें कि इसको याद कैसे रखा जाए, याद करने के क्या कंडीशन, मतलब किस तरह से याद रखें। तो देखो मैं एक कंडीशन आप को बता देता हूँ कि मैं किस तरह से याद रखता हूँ ये। अब ऑब्वियसली इतना सब तो नहीं है याद रखोगे, तो एक मोटा मोटा वाले हिसाब लगाते हैं। ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी याद रख सकते हैं, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी क्या है ये, बी मतलब ये वाला पोर्शन को यदि आप बंद कर देते हैं तो जो डिटर्मिनेंट मिलती है सी वन सी टू ए वन ए टू, तो ये बी हो गया, तो बी का स्क्वायर ये जो है ये बी हो गया बी का स्क्वायर, समझ आए। फिर ए क्या होगा, मतलब इसको बंद करने के बाद इसका जो सब डिटर्मिनेंट मिलता है देखो वो ए हो गया, बी वन बी टू सी वन सी टू ये ए है, ये कंडीशन ए है, और ये क्या हो गया सी, सी मतलब ये सी को बंद करोगे तो ये मिलेगा, देखो ए वन ए टू बी वन बी टू, तो ये सी मिल जाएगा इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आए, तो एक आसान सा याद करने का तरीका, ये याद करने का तरीका है, बस इस तरह से याद रखते हैं हम इसको कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। हम ये पूरा ये डिटर्मिनेंट कितना आएगा ए वन ए टू बी वन बी टू ये सब नहीं याद रखते हैं, हम ये याद रखते हैं कि कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन